नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की। जो क्रियाएं आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनका आप यदि नियमित अभ्यास करेंगे तो थायराइड की समस्या में आपको आराम पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि योग मजा है, सजा नहीं। और साथ ही योग का अभ्यास थोड़ी सी केयर के साथ ही किया जाना चाहिए। जिन क्रियाओं को हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, उनमें खास तौर पे जालंधर बंद का अभ्यास, जिन लोगों को सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के पीछे दर्द की समस्या है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और बाकी जो प्राणायाम आपको बताए जा रहे हैं, उनका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। वो निरापद प्राणायाम है, यानी जो भी उसका अभ्यास करेगा उसको लाभ ही मिलेगा। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के नीचे जमीन पर टिका दें, कोहनियां भी जमीन से चिपकी रहें, एड़ी पंजे मिले हुए, माथा जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरे को ऊपर उठाना, सीने को ऊपर उठाना, नाभि पर पूरा प्रभाव डालते हुए, वेट डालते हुए जितनी देर स्थिति में रुक सके उतनी देर रुकना और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। हाथों का तकिया बना करके रिलैक्स हो जाना। 3 से 4 बार तक इसे दोहरा सकते हैं। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठ जाना, अपने हिप्स को उठाना, घुटनों के बल आ जाना, हाथों का सहारा लेते हुए हथेलियों से पैर की एड़ियों को छू लेना, कमर का आर्क बनाते हुए गर्दन को पूरी तरह से पीछे ढीला छोड़ देना, गले पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य यहाँ पर रुकना विद नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, कमर को सीधा कर देना और फिर से वज्रासन में बैठ जाना। कमर को आराम देने के लिए 2 से 3 बार इसे दोहराने के बाद इस प्रकार से आगे झुक सकते हैं ताकि कमर को रिलैक्सेशन मिले। सिंहासन। वज्रासन में बैठ जाना, घुटनों के बीच में गैप देना, हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार से टिकाना कि उंगलियां आपकी तरफ यानी शरीर की तरफ रहे, जीभ को बाहर निकाल करके आंखों को शांभवी मुद्रा में ले लें और सिंह गर्जना करना, आंखें बंद कर लें, जीभ को भीतर ले लें और फिर वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। इसका अभ्यास 3 से 4 बार तक आप कर सकते हैं। जालंधर बंद। जालंधर बंद के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाएं या चौकड़ी मार करके बैठ जाएं, सांस भरते हुए पूरा गहरा सांस लेना और फिर सांस को भीतर रोक करके ठुड्डी को, चिन को कंठ कूप में लगा देना, पूरी तरह से लॉक कर देना, चिन लॉक यानी जालंधर बंद। अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास भी 3 से 4 बार तक कर सकते हैं और थायराइड ग्लैंड्स पर पड़ने वाले प्रभाव को इन सभी क्रियाओं में अनुभव करना, फील करना। उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाएं, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर सीधे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना और सांस लेते व छोड़ते समय खराटे जैसी आवाज करना। I hope you found this video helpful. I will be uploading a new video every Sunday. Subscribe to this channel and stay connected to us. You can also like, comment, share, and send your feedback. You can also join us at Facebook, Twitter, and Instagram. Stay healthy and happy.